नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल फ्री फार्मेसी ज्ञान में। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं मशरूबक्स पाउडर के बारे में। दोस्तों, जानेंगे मशरूबक्स पाउडर का उपयोग किस तरीके से किया जाता है, इसके क्या क्या हानिकारक प्रभाव होते हैं, इसके क्या क्या लाभकारी प्रभाव होते हैं और किस तरीके से इसका उपयोग करना चाहिए। आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों, ये है मशरूबक्स पाउडर। इसका उपयोग करने से आपको अपनी बॉडी में कई सारे अंतर देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं इसके जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में। दोस्तों, मशरूमक्स पाउडर को मशरूम पाउडर या फिर मशरूमक्स पाउडर भी कहते हैं। इसको बनाया जाता है मशरूम वर्ल्ड कंपनी के द्वारा, जो कि सीहोर में उपस्थित है। और दोस्तों, इसकी जो क्वांटिटी रहती है वो एक डब्बे की 100 ग्राम क्वांटिटी रहती है, जिसकी कीमत 345 रुपये होती है। ये आपको भारत में किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। और अब बात करते हैं कि इसका उपयोग किस किस तरीके से करना चाहिए। दोस्तों, इसका उपयोग वयस्कों के द्वारा एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम को गुनगुने दूध या फिर गुनगुने पानी के साथ करना होता है। इसके उपयोग करने के तुरंत बाद यदि आप 2 केले और 2 उबले हुए अंडे या फिर 2 उबले हुए आलू खाते हैं, तब आपको फ़र्क बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। यदि आप इन सब का उपयोग ना करें, तब भी आपको बहुत अच्छा प्रभाव देखने के लिए मिल सकता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन इसका उपयोग नहीं कर सकता है। दोस्तों, बच्चों के द्वारा इसका उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि कोई महिला गर्भधारण स्थिति में है, तब इसका उपयोग बिल्कुल ना करें। यदि कोई पेशेंट है, यदि कोई मरीज है जो कि किडनी का या फिर लिवर का पेशेंट है, तब भी इसका उपयोग बिल्कुल ना करें। यदि कोई दिल का मरीज है, दिल की बीमारी का मरीज है, तब इसका उपयोग अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करें, अन्यथा इसका उपयोग ना करें। और दोस्तों, इसका उपयोग के तुरंत बाद हमको किसी भी स्थिति में ड्राइविंग या फिर किसी भी स्थिति में ऐसी कोई हवा स्थिति नहीं करनी चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर पर फालतू तरह के प्रभाव पड़े। अब बात करते हैं कि इसका उपयोग करने से हमारे शरीर को क्या क्या लाभ होंगे। सबसे पहला लाभ होगा कि यदि आपके शरीर को किसी भी तरह के सप्लीमेंट्स नहीं लगते हैं, किसी भी तरह के प्रोटीन पाउडर्स नहीं लगते हैं, आपने कई तरह के प्रोटीन पाउडर यूज कर लिए हैं, आपने कई तरह के मसल ब्लिस कंपनी के या फिर अन्य प्रकार के जो प्रोटीन पाउडर हैं आपने यूज कर लिए हैं, तब भी आपके शरीर को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तब आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपने कई सारी देसी दवाइयाँ भी यूज कर ली हैं, कई सारे देसी नुस्खे भी अपना लिए हैं, तब भी आपके शरीर को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, उस स्थिति में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें आप देखते हैं कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी को एक लाभकारी प्रभाव पहुंचाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इसमें जो रहता है वो रहता है मशरूम। मशरूम के साथ साथ इसमें अश्वगंधा भी रहता है, सफ़ेद मूसली, काली मूसली, लहसुन, अदरक, काली मिर्च, जीरा, अजवाइन, काला नमक, सेंधा नमक, मिश्री, पुदीना, लौंग, छोटी हरद के साथ साथ इलायची भी होती है, जो कि इस प्रभाव को आपको और बढ़ा देती है। अब बात करते हैं कि इस प्रोडक्ट के उपयोग करने के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट्स या फिर क्या क्या दुष्प्रभाव देखने के लिए मिल सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सारे के सारे हर्बल होते हैं, सारे के सारे आयुर्वेदिक होते हैं। तो दोस्तों, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के उपयोग करने से आपकी बॉडी को कोई भी साइड इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। और यदि आपको किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि शरीर पर छोटी छोटी भुंसी आना, शरीर में खुजली होना या फिर शरीर पर लालपन होना, उस स्थिति में दोस्तों आपका इसको उपयोग बंद कर देना चाहिए। तत्पश्चात आपको अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए, उसके बाद ही इसका उपयोग करें। अब बात करते हैं कि इसका उपयोग कितने दिनों तक करना चाहिए। दोस्तों, इसका उपयोग शुरुआती दौर में हमको 1-1 चम्मच करना चाहिए, तत्पश्चात इसका हमको उपयोग बढ़ा देना चाहिए, उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे करके इसका उपयोग हमको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा मात्रा में उपयोग करने से आपको इसका थोड़ा सा ज़्यादा प्रभाव देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन दोस्तों आप कुछ समय के बाद इसका उपयोग बंद कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते हैं।